हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से या टू डी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 30 पैसे की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक एक पॉजिटिव ट्रेड में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक करंट लेवल पर 187.25 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के अंदर ऊपर में एक टॉप बना 209 रुपीज का। 209 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक टॉप बनाया है। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली है जहां पर स्टॉक ने 188 रुपीज के प्राइस को रिटेस्ट किया है और यहां पर स्टॉक ने एक सपोर्ट लेवल बनाकर स्टॉक के अंदर एक बाउंस बैक देखने को मिला है। स्टॉक काफी टाइम से देखे तो एक रेंज बोन में ट्रेड कर रहेगा जहां पर स्टॉक के अंदर नीचे का सपोर्ट लेवल है 188 रुपीज का, पर स्टॉक ने जैसे इस प्राइस को ब्रेक डाउन दिया था स्टॉक ने 154 रुपीज के प्राइस को रीटेस्ट किया जहां पर स्टॉक के अंदर एक लोअर सर्किट लगाएगा और यहां पर स्टॉक में एक बॉटम बनने के बाद स्टॉक में निचले लेवल पर एक बड़ी रिकवरी देखने को मिली। अब स्टॉक का जो एक फ्रेश सपोर्ट लेवल आएगा वो जो ग्रीन कलर की नेक लाइन है ये स्टॉक में एक सपोर्ट लेवल का काम करेगा। अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो नीचे का 180 रुपीज का एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस रखें और ऊपर के टारगेट अराउंड 235 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। जब तक स्टॉक 185 रुपीज से ऊपर रहता है स्टॉक के अंदर एक तेजी देखने को मिलेगी। ऊपर में स्टॉक एक बार 210 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट दे देता है तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, पर जब तक स्टॉक 210 रुपीज से नीचे है स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।